मैं आपके माध्यम से करना के लोगों को एक मैसेज दे दूंगा और यहाँ की जो कांग्रेस की लीडरशिप है उन तक भी मेरी आवाज़ इंशाल्लाह पहुँच ही जाएगी। करना को मैं देख रहा हूँ कि करना बहुत ही पिछड़ा हुआ है और ख़ासकर जब 4 महीने करना वैली से कट ऑफ रहता है, उस चीज़ को देखते हुए करना के लिए कोई निस्बत काम करना का हुआ नहीं है। हमारा प्रोग्राम ही यही है, हमारा जो मैसेज है सोनिया गांधी जी की, जो हमारे आदेश हैं, राहुल जी के आदेश हैं, ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब के आदेश हैं, ग़ुलाम अहमद मीर साहब हैं, अब्दुलरशीद अलहाज अब्दुलरशीद साहब हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को भांपा है कि करना जो हमसे नाराज़ है या पिछड़ा हुआ है उसके नताइज क्या हैं, उसके वजह वजूहात क्या हैं, उस चीज़ को हम देखें। कुछ हमारी तरफ से कोताहियां हुई होंगी, मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं। करना का जो एक बड़ा मामला है हमारा साधना टनल जो है, क्योंकि करना 4 महीने डिटेच जो रहता है उससे करना के हालात क्या होते हैं सर्दियों में, खासकर मौसम सरमा में, उससे हम बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं। मैंने इससे पहले भी कई बार मैंने गवर्नमेंट से गुजारिश की है कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी कैंपस कायम करें, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन है बहुत सारे लोग, और उनके बच्चे जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं कश्मीर में जाके, उनको श्रीनगर में जाके बहुत ही ऊंचे रेंट पे उनको जो फ्लैट्स लेने पड़ते हैं, रूम्स का एक डायलिसिस सेंटर यहाँ पे, एक डायलिसिस सेंटर यहाँ पे बहुत बार मैं कह चुका हूँ, आपके माध्यम से भी कहा है, बहुत सारे और चैनल भी हैं, प्रेस मीडिया में भी मैंने श्रीनगर प्रेस मीडिया में भी ये बात कही थी कि एक डायलिसिस सेंटर और एक यूनिवर्सिटी कैंपस यहाँ कायम करें। रही बात यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो यहाँ पे करना का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को ले लें या हम डिग्री कॉलेज को ले लेंगे, इसमें ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब की दौर में अंडर द चीफ मिनिस्टरशिप ऑफ ग़ुलाम नबी आज़ाद साहब, उन्होंने ही डिग्री कॉलेज भी यहाँ बनवाया और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी उन्होंने बनवाया है। शायद करना के लोग इस चीज़ को नहीं भूलेंगे। याद है हमारे यूथ को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, पढ़ाई के बहुत सारे मामले ऐसे हैं कि जो वो वक्त पर बर वक्त वो उन चीज़ों को अवेल नहीं कर सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फैसिलिटीज़ दिए हैं। मैं गवर्नमेंट से इस्तिदा करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कम से कम इसमें LC में, बैकवर्ड क्लासेस में उनको इसमें कैटेगराइज करें।